अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम विराजमान हो गए हैं और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण मसूरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि इस मौके पर रामलला के दर्शन कर सभी लोग अभिभूत हो गए हैं और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज प्रभु श्री राम अपने आसन पर विराजमान हैं। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन करेगी। आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। आज विधिवत विधि विधान के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय सेवक संघ के संचालक का सरसंचालक मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। और आज राम के दर्शन करके सब लोग अभिभूत हैं, क्योंकि आज तो सब लोगों का जाना संभव नहीं है, लेकिन बाद में सब लोग बारी बारी से जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे। 2 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरी कैबिनेट वहां जा रहा है और उसके बाद विधानसभा वाइज एक सूची बनाकर हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोग प्रभु राम के दर्शन करें।